अस्सलाम वालेकुम ग्रेट वन, ये आपकी उर्दू के अप्रैल टेस्ट है। सवाल नंबर एक है, मुद्दतज़ैल हरूफ को अलग करें। मुल्क, बीमार, स्कूल, इम्तहान, इल्म। सवाल नंबर दो है, हरूफ मिलाकर लिखें। आपने ये हरूफ मिलाकर और यहाँ पर जो लफ्ज़ बनता है इधर ब्लैंक में आपने वो लिखना है। सवाल नंबर तीन है, लफ्ज़ मुकम्मल करें। आपने आधे आधे लफ्ज़ लिखे हुए, इनको आपने पूरा करके लिखना है। जैसे बे अलिफ बा आगे डैश है। सवाल नंबर चार है, तीन दो हरफी अल्फाज लिखें। इसमें तीन ब्लैंक्स बनी हुई हैं, इसमें आपने दो हरफी तीन अल्फाज लिखने हैं। सवाल नंबर पाँच है, तीन ऐसे अल्फाज लिखें जिनके आखिर में पे हो, जिनके आखिर में पे आता हो। यह आपका अप्रैल टेस्ट है, आप इसकी तैयारी करके किसी भी लूज शीट या कॉपी पे इसका टेस्ट करें। ओके, ये आपकी मई की असेसमेंट है उर्दू की। सवाल नंबर एक है, खाली जगह पूर करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे डैश हैं। ये नात वाले सबक में से है और ये आपने तैयारी करके और ये करना है। सेकेंड है, डैश हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हमें चाहिए कि हम डैश हासिल करें और डैश को सिखाएं। सवाल नंबर दो है, जुमलों में है और हैं का इस्तेमाल कीजिए। सारी दुनिया अल्लाह ताला ने पैदा की डैश, हम स्कूल जाते डैश, पाकिस्तान पानी भी अल्लाह ताला की एक नेमत डैश। सवाल नंबर तीन है, जुमले बनाएं, अल्फाज जुमले। बात का इधर जुमला आपने बनाना है, नाम, काम, अच्छा। सवाल नंबर चार है, इसम लगाकर जुमले मुकम्मल करें। ये किताब डैश की है। बाग में खूबसूरत डैश खिले हैं। ये क्रिकेट का डैश है। ये एक बड़ा डैश है। फिर उच्च करने, ये आपकी अप्रैल और मई की असेसमेंट है और ये आपने किसी भी रफ कॉपीज़ पे करनी है।